ला लाइव बोल स्टार्ट करें सर। या गुड मॉर्निंग टू ऑल, होप दैट आई एम ऑडिबल। वी आर टेकिंग सम न्यू इनिशिएटिव, लाइक वी हैव स्टार्टेड फेसबुक लाइव सेशन फॉर अवर बीसीज ऑफ डिफरेंट बैंक। टू स्टार्ट विद, वी आर स्टार्टिंग विद पंजाब नेशनल बैंक, one of the leading bank after State Bank of India. Number two rank is Punjab National Bank, particularly after merger of two banks. Two bank isme jo hai wo jud gaye, Oriental Bank of Commerce aur United Bank jo Calcutta based tha. To is tarah se jo iska presence hai wo bhi kareeb 11,000 se upar, kareeb kareeb 12,000 branches ho gayi hai iski. तो एक बहुत लीडिंग बैंक के साथ जो हमारे बीसी भाई बहन जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप एक लीडिंग बैंक के साथ, स्टेट बैंक के बाद जिसका रैंक है उस बैंक के लिए आप काम कर रहे हैं। तो ये आपके लिए या हम सभी, क्योंकि हम भी उसके साथ जुड़े हैं, तो हमें भी इसमें वी हैव टू टेक प्राइड कि यस, कि हम एक लीडिंग बैंक के लिए बीसी की या सीएसपी पॉइंट की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। We are providing good service to the country, to the nation, to the citizens of the country, जो remotest part में, जो banking का जो basic role है, जो financial inclusion की अगर हम बात करते हैं, तो जो BC है ये बहुत बड़ा important एक कड़ी है उसमें। क्यों कड़ी है? क्योंकि branch का network हर जगह पहुंच नहीं सकता। जहां branch नहीं पहुंच सकती वहां पर मेरा BC वो काम करके उसकी इनकम भी जनरेट करता है, बैंक के लिए बिजनेस भी लाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बैंकिंग सुविधाएं गांव-गांव में, छोटे छोटे गांव में, पहाड़ों के ऊपर देता है। तो ये पॉसिबल है बीसी। तो इट इज अ नोबल कॉज आई शुड से, बिकॉज फाइनेंस जो होता है, जो पैसा है, अगर वो सर्कुलेशन में आता है, जहां पर भी आप देखें, जिस भी कंट्री में, जिस भी देश में अगर कहीं रिवोल्यूशन हुआ या कहीं चेंजेज आए, तो पहले उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो वहां पर, उससे पहले एजुकेशन आता है, एजुकेशन के बाद जो है ये फाइनेंस आता है। क्योंकि आपकी पढ़ाई लिखाई होगी लेकिन आपके पास पैसा होना चाहिए काम करने के लिए। तो ये जो पैसा गांव गांव तक पहुंचाना, दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये बीसी जो है ये इंक्लूसिव ग्रोथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। इसलिए मैं बीसीज को, मैं ये नहीं समझता कि वो सिर्फ अपने कमाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो देश की सेवा कर रहे हैं, मैं इस तरह से मानता हूं इस बात। तो अभिनंदन है आप सभी को जो भी इस बैंक के बीसी के रूप में काम कर रहे हैं। तो करीब करीब हमारे कितने बीसी हैं अभी, अप्रोक्सीमेटली 3,000 के आसपास हमारे बीसी काम कर रहे हैं, और बैंक के करीब 28 सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं बीसी के थ्रू। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं बैंक की, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये भी देखना है कि बैंक की आवश्यकता क्या है, बैंक आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। मैं आगे जाऊं उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, जितने भी बीसी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स में आपका कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, कुछ जनरल क्वेश्चंस जो है ट्विटर पे मैंने देखे हैं उसका जवाब मैं दूंगा आपको, लेकिन जो जनरल क्वेश्चंस हैं वो उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो तो आप जरूर चैट बॉक्स में आप डालें, उसका हम जो है नोट कर लेंगे। साकेत, यू काइंडली नोट इफ देयर इज एनी क्वेश्चंस, है ना, पेपर रख लीजिए, देन दोज क्वेश्चंस वी विल रिप्लाई, है ना। सो तो मैं यही चाहूंगा, क्योंकि इस सेशन का फायदा तभी है जब हमारे बीसीज का भी, क्योंकि इंडिविजुअली सबके साथ बीसी पे हम बात नहीं कर सकते थे, तो हमें लगा कि फेसबुक लाइव के जरिए हम हमारे बीसीज के साथ जुड़े। तो कमिंग टू द मेन रोल, लाइक पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच या उस पर्टिकुलर सर्कल की आवश्यकता क्या है, उस आवश्यकता को समझते हुए अगर बीसी उस ब्रांच के साथ जुड़ेगा,
और ब्रांच की रिक्वायरमेंट की कॉर्पोरेट्स जो उनकी प्रायोरिटीज है उसके हिसाब से अगर वो काम करेगा तो अपने आप उसको बिजनेस भी मिलेगा और बैंक को भी लगेगा कि हाँ एक बीसी का एक जस्टिफिकेशन है। अगर कोई बीसी लगाया गया है तो बैंक चाहता है कि ये काम मेरा बीसी करे, इसीलिए उसको जोड़ा गया। तो अगर बैंक ने किसी को बीसी जोड़ा है, जो हमारे बीसी भाई बहन जो जुड़े हुए हैं उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूं कि जब आप बीसी जुड़ गए तो आप जिस भी ब्रांच के साथ जुड़े हैं आपका रोल ये है कि ब्रांच की रिक्वायरमेंट बैंक की रिक्वायरमेंट को समझते हुए हम उस पे काम करें, तभी तो जस्टिफाई होगा। अगर आपको हम बीसी या बैंक बीसी बना रहा है तो आपसे कुछ उम्मीद है, कुछ एक्सपेक्टेशन है बैंक, तो उन एक्सपेक्टेशन को क्या हम पूरा कर पा रहे हैं ये आप खुद देखेंगे, आपको पता चलेगा। यहां से हम कम्युनिकेशन भेजते हैं हमारी स्टेट्स को, इवन बीसीज के पास भी हम मैसेज भेजते हैं जब भी बैंक का कुछ ड्राइव होता है। तो जैसे कि सोशल सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं, कुछ दिनों पहले हम बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक के जीएम साहब को भी मिले थे, तो उनका भी जो कंसर्न जो था वो मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं टच कर लेता हूँ। मेरे साथ जो है विधि दिवाकर हैं, शी इज स्पोक फॉर पंजाब नेशनल बैंक इन आवर कॉर्पोरेट ऑफिस, और ओवरऑल जो देखते हैं हमारे मिश्रा जी हैं साथ में बैठे हैं और मेरी बाकी भी बैंकिंग की टीम है। क्योंकि ये जो शुरुआत है, ये जो शुरुआत है हम पीएनबी से कर रहे हैं, उसके बाद हम अलग अलग बैंकों के बीसीज के लिए एक फेसबुक लाइव सेशन करेंगे ताकि जो उनकी तरफ से कुछ क्वेश्चंस हैं उसको भी हम एड्रेस करें और जो जनरल चीजें हैं जो हम बता सकते हैं यहाँ से वो भी हम कोशिश करेंगे उसको हम कवर करेंगे। तो जो रोल है आपका ब्रांच के साथ जुड़ के आपका रोल है कि बैंक की प्रायोरिटी को समझते हुए काम करें। सोशल सिक्योरिटी में जो मैं बता रहा था उसमें पंजाब नेशनल बैंक के जो बीसीज है हमारे उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर अच्छा नहीं है तो आप समझ सकते हो कि ये आप सब लोग और सीएससी ये दोनों का ये रोल है हम लोगों का मिलके कि हम उसको इम्प्रूव करें। उसमें कुछ छोटे मोटे कुछ गैप्स होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक के जो सिस्टम्स हैं उसमें कहीं कमी ना होगी, कुछ तकलीफें होंगी, उन तकलीफों को ओवरकम करके किस तरह से परफॉर्म करना है वही हमारी कोशिश होनी चाहिए। एंड दैट इज द पर्पज ऑफ दिस फेसबुक लाइव, ताकि आपकी समस्याओं को हम समझें, उसको एड्रेस करें, या बैंक लेवल पे भी हमें कुछ अगर टेकअप करना है तो हम उसको टेकअप करते हुए उसको हम रिजोल्व कराएं। दैट इज द पर्पज बेसिकली कि हमने एक फेसबुक लाइव हमने यहाँ पर रखा है। तो अभी जो भी हमारे बीसी भाई बहन जुड़े हैं उनसे फिर से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जो हमने फेसबुक लाइव का जो सेशन रखा है उसका आप अच्छी तरह उपयोग करें, उसको समझें। अभी प्रोडक्ट स्पेसिफिक यानी जो मैनुअल है आपका, यानी किस किस सर्विस में क्या क्या काम हम करेंगे वो मैं अभी शुरू करेंगे, उसके ऊपर हम डिस्कशन उसमें जरूर आप देखें समझें, और उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आपके हों तो वो जरूर आप बताएं। कुछ लोगों ने ट्विटर पे सोशल मीडिया में इस जो हमने डाला था फेसबुक लाइव का उसमें कुछ लोगों ने जो क्वेश्चंस डाले हुए हैं कि हमने बीसी बनना है पंजाब नेशनल बैंक का, तो बहुत अच्छी बात है। जो हमारे सीएससी आईडी जिन लोगों का है, जो मेरे वीएलई हैं सीएससी के, उनके लिए हमने एक पोर्टल बनाया हुआ है, बैंक मित्रा पोर्टल जिसको हम बोलते हैं। उस बैंक मित्रा पोर्टल पे आप रजिस्टर करें अपने आप को, रजिस्टर करने के बाद और आपके जो भी एरिया में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं या हमारे एफआई के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं उनको आप बात करें बताएं, और ये जो फाइनल जो होता है वो बैंक की रिक्वायरमेंट, क्योंकि बैंक की ब्रांच के आसपास आप हैं या नहीं हैं ये एक क्राइटेरिया रहता है। फिर ऑलरेडी मान लीजिए उस ब्रांच में उनकी जो रिक्वायरमेंट है बैंक की वो बीसी ऑलरेडी लग चुके, तो वहां पर फिर हम पीएनबी का नहीं दे सकेंगे, तो दूसरा कोई बैंक, क्योंकि हमारे पास तो लगभग सभी बैंकों के लिए हम काम कर रहे हैं, तो लगभग सभी बैंक हमारे साथ एज ए कॉर्पोरेट बीसी हम लोग काम कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है मान लीजिए पीएनबी में नहीं मिल पाया तो हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया है या सेंट्रल बैंक है या यूको बैंक है, इस तरह से इंडियन बैंक है, लगभग सभी बैंक जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
तो हम कोशिश करेंगे उसमें हम हमारे जो भी वीएलई भाई बहन जो जुड़े हों और वो चाहते हैं कि वो बीसी का काम करें तो बहुत अच्छी बात है। और यही हम चाहते हैं कि जो भी सीएससीआईडी जिनका बना है हम ये कोशिश करें कि उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग सर्विसेज के द्वारा उनकी इनकम को हम बढ़ा पाए, उनकी एम्पावरमेंट हो, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो। ये जो हमने टाइटल भी आज का जो रखा है बीसी फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अवर बीसीस, तो हमारी कोशिश ये है सेंट्रल ऑफिस से सीएससी से और हमारी जो बैंकिंग टीम है सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारी टीम देखती है। और हम ये चाहेंगे कि जो भी भाई बहन जुड़ना चाहते हैं जरूर आप बैंक मित्रा पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करें और यहां से भी हम कोशिश करेंगे कि जहां जहां पर भी रिक्वायरमेंट जैसे जैसे आती है वहां पर अगर पीएनबी होगा तो नेचुरली हम कोशिश करेंगे उसको पीएनबी देने की, अन्यथा हम दूसरे बैंक को भी जो भी हमारे साथ बैंक जुड़े हुए हैं हम आपको बीसी जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। तो विद दीज वर्ड्स नाउ आई मिश्रा जी यू वुड लाइक टू से समथिंग। राजेश मिश्रा जी हैं ओवरऑल बैंकिंग हमारे एवीपी हैं यहाँ पर, तो आई विल रिक्वेस्ट हिम टू नाउ टॉक टू यू प्लीज। नमस्कार। ये सर ने जैसे अभी कहा जो कि जितने भी सरकारी बैंक हैं वो सारे बैंक हम लोग के द्वारा यहाँ पर सीएससी हेड ऑफिस हम लोग मॉनिटर और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और अभी हम फेसबुक लाइव पीएनबी के बीसी के लिए स्पेशली आज हमने अरेंज किया है जिससे कि आप लोग के सामने हमारा क्या परफॉर्मेंस है वो बता सकें और आगे हम इसको कैसे बेहतर कर सकें वो बताएं। बहुत सारे लोग अभी लिख भी रहे हैं कि कैसे बीसी मिलेगा कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले तो जो हमारा अभी बीसी है उनके लिए है जो कि इसका जो अभी 30 सितंबर तक बैंक का सोशल सिक्योरिटी कैंपेन चल रहा है जिसपे हमारा अगर अच्छा परफॉर्मेंस होगा तभी हम आगे भी कोई नए बीसी के लिए उनसे काम ले सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमारा परफॉर्मेंस देखिए अप टू द मार्क है इसलिए हमें और भी बीसी पॉइंट प्रोवाइड करिए। वहां पे ये तो है नहीं जी कि मैं बोलूंगा हमें दे देंगे। तो जो भी बीसी है वो अपना सोशल सिक्योरिटी में सेचुरेशन ड्राइव है उसमें जितने का अकाउंट ओपन किए हैं कम से कम उसका तो निश्चित ही अगर इलिजिबल है वो कस्टमर जिसका अकाउंट ओपन हुआ है तो आप निश्चित ही उसका सोशल सिक्योरिटी स्कीम में एनरोल करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आज के डेट में बैंक के ऊपर भी बैंक का कोई इंस्ट्रक्शन है नहीं। ये तो हमारे ऑनरेबल जो कि प्राइम मिनिस्टर है उनका ड्रीम है जो जितने भी लोग हैं हमारे कंट्री के सभी एंश्योर हों सबके पेंशन उनका हो जाए। इस काम में हम बीसी केवल इनकम के लिए नहीं काम करते हम सारे लोग एक सेवा है। इसको अगर आप समझेंगे तो पता लगेगा कि किसी को अगर आप 20 रुपया में 2 लाख का इंश्योरेंस करा देते हैं अगर उनका एक्सीडेंट डेथ होता है तो उनके फैमिली को दो आप लोग ने कितने ने दिया भी होगा कितने का कस्टमर का आप लोगों ने पेमेंट करवाया होगा तो उस टाइम में पता लगता है कि आपने कितना बड़ा उपकार किया है उस फैमिली पे। हो सकता है कि गांव में उनको बहुत ज्यादा पता नहीं होता है जो कि इससे क्या होगा अरे छोड़ो कुछ नहीं करना है। आप लोग हमारा और स्पेशली सीएससी जो भी है बीएलई या हम लोग यहाँ पे हैं हमारा मोटो ही क्या है जो कि सर्विस कर देना लास्ट माइल जो हमारे पब्लिक है उनको सर्विस देना सबसे बड़ा काम ये है। उसके बाद हर एक सर्विस पे आपको किसी को भी फ्री में तो कुछ काम बोला नहीं जाता है हर एक सर्विस का पैसा मिलता है और हम पैसा आप लोग को मिलता है। लेकिन अगर ये चीज आप एडवर्टाइज करेंगे पॉपुलराइज करेंगे कस्टमर जब आता है तो आप बताएंगे ये नहीं है जो सीएससी में भी हमारे जो बीएलई हैं जो बीसी हैं पीएनबी के कमीशन कम कमा रहे हैं कमीशन खूब अच्छा कमा रहे हैं अकाउंट खूब खोल रहे हैं। जब सोशल सिक्योरिटी स्कीम की बात आती है तो उसमें सबसे लिस्ट में सीएससी होता है। तो ये चीज कहीं से भी उचित नहीं है क्योंकि बैंक का जो अभी सर बता रहे थे तो उनका क्या प्रायोरिटी है वो बीसी मॉडल क्यों रन करना चाह रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं ब्रांच में होता
इसीलिए तो हमको आपको रखा गया है, क्योंकि हम लोग क्लोजली गांव विलेजर्स को जान रहे हैं, वहां पे बैठे हैं, उसको किसको क्या जरूरत है वो चीज देना है। लेकिन फाइनली अगर हमें बीसी मॉडल को सक्सेस करना है, बैंक के साथ अच्छा रिलेशन रखना है, तो अगर सोशल सिक्योरिटी स्कीम सबका करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट बैंक सारे हैं जो कि सैचुरेशन ड्राइव पे काम कर रहे हैं। सैचुरेशन ड्राइव का मतलब है जो जितने भी कस्टमर एलिजिबल है सबका उस स्कीम में एनरोलमेंट हो जाए। अगर हो जाता है तो नेक्स्ट ईयर में रिन्यूअल के टाइम में आप लोग भी ध्यान रखिए उसका रिन्यू हो जाए। लेकिन अभी जो एनरोलमेंट का है हमारा परसेंटेज बहुत खराब है। कुछ स्टेट हैं, कुछ बीएलई है, स्पेसिफिक बीएलई है जो बेहतर करते हैं, लेकिन उनके 5-10 को बेहतर करने से पूरा एज ए होल तो हमारा परसेंटेज ठीक नहीं हो सकता, या उस बीसी का परसेंटेज परफॉर्मेंस जस्टिफाई नहीं होगा। तो कुछ का करने से नहीं होगा, ये हर एक आदमी को मैंडेटरी है करना। अगर नहीं करेंगे तो बाद में बैंक बोलता है जे रिप्लेस कराओ, कोड बंद कर दो, या उनका जो भी है इंस्ट्रक्शन, क्योंकि उनका भी प्रायोरिटी है, सबको असाइनमेंट मिलता है ये चीज कराना है। अगर आदेश है ये नेक काम के लिए, सभी आदमी का इंश्योरेंस हो जाए, सभी आदमी का पेंशन एलिजिबल का पेंशन में आप लोग एनरोल करा दीजिए। ये जो जो मिश्रा जी ने बताया सिर्फ सेवा नहीं है, आपको उसमें कमर्शियल भी, उसमें आपको पैसा भी मिलता है, एंड पीपल हैव अर्न कुछ अच्छी इनकम लोगों ने जनरेट की है ये काम करने के द्वारा, यानी सेवा तो है ही लेकिन आपको इनकम भी है उसमें। जो भी आप एनरोलमेंट करेंगे तो उसके कमर्शियल्स हैं, वो विधि मैडम आपको बताएंगी। कहने का मतलब यह है कि सेवा के साथ आपको इनकम का भी एक जरिया है। 10 रुपया का ट्रांजेक्शन आप करते हैं लेकिन एपीवाई में 50 रुपया कमीशन देती है बैंक, तो उसमें आप बोलते हैं कि कस्टमर नहीं आ रहा। ये चीज कस्टमर को नहीं आ रहा है वो बात नहीं, आपके सेंटर में तो ट्रांजेक्शन हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है तो कस्टमर को, या तो अगर आपको कुछ उसके बारे में कुछ जानकारी कहीं पे भी दिक्कत हो तो हमारा स्टेट टीम है, सेंट्रल ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। इवन की ब्रांच, जोनल ऑफिस, सर्कल ऑफिस सब आपको गाइड करते हैं टाइम टू टाइम ये कैसे करना है, फोन करते हैं। उसके बाद भी इग्नोरेंस अगर करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। ये सीएससी में नहीं होता है, दूसरे जगह होता है, ये चीज भी अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ पे हम लाते हैं तो किसी से कुछ लेते नहीं है, आप लोग के साथ हम लोग हमेशा रहते हैं और हमारे आप फ्रेंड मिस्टर हैं वहां पे उस लोग के लिए। लेकिन उसके बाद भी जब हम दो सीबीसी का कंपैरिजन होता है, 5 सीबीसी का कंपैरिजन होता है, तो उसमें हम सबसे नीचे होते हैं। तो हमें क्या है, आपको भी तो अच्छा नहीं लगता होगा, वहां पे 3 कंपनी वाले को बुलाते होंगे और उसमें दूसरे कंपनी वाले को अवार्ड दे रहे हैं और आप लोग मुंह देखते होंगे। तो इस चीज को आप लोग सिंसियरिटी से लें और अपना परफॉर्मेंस आप इम्प्रूव करें। अगर आप चाहते हैं कि सीएससी का कुछ अच्छा हो तो आपका अच्छा होगा, तभी होगा। आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी सीएससी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ट्रांजेक्शन रुक जाता है, हर एक आदमी फोन करते हैं जब भी एकदम रुक गया तो पूरा देश बंद हो जाएगा लग रहा है। लेकिन कभी भी एपीवाई के लिए किसी आदमी ने कॉल किया, आप लोग एपीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई ये अगर करेंगे ना तो आपको रियली में आज नहीं मालूम होगा, समाज में जिस के साथ ये घटना होगा जब उसको वो बेनिफिट मिलेगा तो आपको बहुत आशीर्वाद देंगे। तो बोलेंगे देखो कितना अच्छा काम कर दिया, भगवान ना करे किसी को भी वैसा इंश्योरेंस का वो बेनिफिट लेना पड़े। लेकिन आज के डेट में सब आदमी, और इससे सस्ता हमें नहीं लग रहा है कि पूरे विश्व में कोई स्कीम होगा जो 20 रुपया में 2 लाख का इंश्योरेंस कराता हो, अगर पीएमएसबीवाई की बात करें तो ना। तो इसके लिए आप अगर जो हमारे नए बीसी जुड़े हैं उनको अगर हैंड होल्डिंग में कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, हमारा एक टिकट का प्लेटफॉर्म है सीएससी का, अभी सत्या या वो मनोज अभी बताएगा। तो अगर आपको दिक्कत होता है, कोई नहीं सुन रहा है या कोई फोन नहीं उठा पाया, हो सकता है कोई ट्रेवल में है, कोई कहीं है, अगर आपको कनेक्ट नहीं हो पाता है तो आप केवल उतना क्या समस्या है हिंदी अंग्रेजी में आप लिख दीजिए और ये बोलिए जो तो उसको
आप हमारा ये समस्या है देख लीजिए, हमारा स्टेट टीम भी उसको एक्सेस करती है, हम लोग भी एक्सेस करते हैं, तो जो भी होगा दोनों टीम से आपको कॉल करके जिस भी सोल्यूशन से होगा आपका जो भी समस्या है उसको हम थैंक यू सही कराने का कोशिश करेंगे, ठीक है। बोलिए तो इसके लिए आप लोग अच्छा से काम कीजिए, अच्छा कमीशन अर्न कीजिए, है डेली काम कीजिए, डेली अगर आप शॉप ओपन करेंगे, डेली ट्रांजेक्शन करेंगे, डेली जो भी आपके पास आता है कस्टमर को आप गाइड करेंगे आपको क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि हमारा रियली जहां पे भी बैठा है जो वीसी है कि नहीं है ये काम सबसे पहले करता है, जो विलेजर्स को उस लोकलिटी को ऑलवेज आप लोग गाइड करते हैं जो कि कैसा आप लोग के पास सब आता भी है गाइडेंस के लिए। तो बीसी के भी काम जब आप कर रहे हैं तो हमारा यही है कि सीएससी के जो बीएलई हैं वो एज ए बीसी भी बेस्ट करे अदर दूसरे किसी भी कंपनी से। कुछ बीसी हैं जैसे सर वो जो कि जो हमारा पिछला महीना हमने अभी वो चलाया था कैंपेन सोशल सिक्योरिटी में, दैट विल कवर लेटर ऑन, पहले हम एक जो उनका मनोज है वो बता देंगे कि किस तरह से जो अलग अलग सर्विसेज हैं कुछ कुछ बीसी जो है रुक जाते हैं, क्योंकि इस समय पे काफी बीसी नए बने हैं, तो जो लोग नए बीसी बने हैं उनको प्रोसेस का क्लैरिटी करने के लिए हमारे साथ मनोज हैं और जो हिमाचल के एफआई के इंचार्ज हैं हमारे, तो मैं मनोज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्क्रीन शेयर करके आप बताएं क्या क्या प्रोसेस है कौन कौन सी सर्विस का क्विकली, ताकि फिर उसके बाद जो है जो क्वेश्चंस आए हुए हैं काफी सारे ट्विटर पे जो अपने इस पे फेसबुक लाइव पे क्वेश्चंस आए हैं दैट वी विल ट्राई टू रिप्लाई, और जो मैंने पहले तो आपको बता ही दिया था कि ओवरऑल जो बैंक का बीसी जिसको भी बनना है चाहे पीएनबी का बनना है या किसी और का वो तो मैंने आपको बताया ही है ना। तो मनोज प्लीज प्रेजेंट द यू नो प्रोसेस कवरिंग वेरियस सर्विसेज, कहां कहां चैलेंजेस आता है जिस पे इन लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। सर कह रहे हैं इसमें नेम सर स्क्रीन शो हो रही है सर वहीं से लाना पड़ेगा नहीं मनोज जी शो नहीं हो रही आप मेरे को मेल पे कर करेंगे ना। मनोज स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है मनोज सर आप वहां से शेयर कर देंगे मैं कर रहा हूँ अभी शुरुआत तो हुई थी आपने कुछ किया था तो आया था स्क्रीन सर अभी शो हो रही है विंडो करो विंडो नहीं अभी नहीं यार नहीं यार आ गया अभी आया है कुछ जी पीपीटी ऑन करो आप कर दिए सर ओपन करो पीपीटी ब्राउजर दिखा रहे हैं पहले डेस्कटॉप पे उस पीपीटी को ओपन करके रखो सर ओपन है पीपीटी तो मेरे पास शेयर करो ना उसको जो पीपीटी होगा ऊपर वो करोगे यहाँ पे मना वही तो मैं कह रहा हूँ सत्या को मेल करो क्विकली तब तक जो है मैं क्वेश्चंस जो आए हुए हैं मैं उनको बता देता हूँ बताइए क्या क्वेश्चंस आए सर बीसी ये लिस्ट कहाँ है आपने उठने के लिए बीसी बनने के लिए सर उसके अलावा कोई क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको नोट कर बेसिकली सर हाँ
तो काफी सारे लोग जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगा कि लोगों को कुछ हमारे बीसी भाई बहन जो हैं उनको फायदा हो रहा है इसमें। और जैसे मिश्रा जी ने भी बताया कि आपका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ये, कि हम जो है हमारे समाज में एक इंश्योरेंस के द्वारा लोगों को एक कंफर्ट देते हैं, और 2 लाख रुपए एक गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है, तो जहां ऐसा कुछ तकलीफ होती है तो वहां पे ये 2 लाख बहुत काम आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, समाज कल्याण के हिसाब से भी आपका एक रोल है हमारे बीसीज का। और सीएससी की जो ब्रांड इमेज है वो भी आप समझें कि एक सीएससी, हमारे प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं सीएससी के बारे कि आप जो है अच्छा काम कर रहे हैं, सीएससी के द्वारा बहुत सारी सेवाएं दी जा रही हैं, उसमें से बैंकिंग सेवा भी एक है। तो उसी ब्रांड के हिसाब से, उसी नाम के हिसाब से हम अपने आप को जस्टिफाई करें, हम काम करें वहां पर, तो तभी उससे कुछ बोल पाएंगे कि हाँ बैंकिंग में भी हमारे जो पीसी हैं जो सीएससी के, वो एक अच्छा काम करके दिखा रहे हैं। तो वो एक कोशिश होनी चाहिए हम सब लोगों की। तो यही है क्वेश्चंस मेनली जो आए हुए हैं कि बीसी पॉइंट चाहिए, सीएसपी चाहिए काफी लोगों को। तो जैसे मैंने बताया, बैंक मित्र पोर्टल पे आप अपने आप को रजिस्टर करें। बैंक मित्र पोर्टल का जो लिंक क्या है सत्य, कैन यू टेल? बैंक मित्र पोर्टल पे किस तरह रजिस्टर करते हैं, कैन यू टेल? जी सर, वहां पर जाकर के करना है, जस्ट एक मिनट में बता दो। देखिए जो बैंक मित्र पोर्टल है, आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं बैंक मित्र, तो आपको गूगल पे ही दिखा देगा bankmitra.csccloud.in। वहां पे जाएंगे तो वहां जाते ही वो bankmitra.csccloud.in csccloud.in जी, यहां पर जाके आप बैंक मित्र पोर्टल पे आपके सीएससी आईडी डाल के रजिस्टर कर सकते हैं। अभी ये स्क्रीन आ गया है, नाउ आई विल रिक्वेस्ट मनोज टू टेक इट फॉरवर्ड, और स्क्रीन आप रोटेट करें सत्य, यहां से प्रेजेंट आप कर। आप जो काम करते हैं, खासतौर से जो नए बीसी बने वो इसको जरूर देख लें, ताकि कहीं कोई असुविधा हो रही है, कोई काम रुक रहा है, तो आप वो तकलीफ ना हो। मनोज सबसे पहले सभी साथियों को जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको नमस्कार। अभी मैं जो सबसे पहले आप लॉगिन करते हैं पोर्टल पे, उसका यूआरएल ये मेंशन करा हुआ है, इसको आप नोट भी कर सकते हो, मैं अभी इस पे आपको शेयर भी कर दूंगा, अपने फेसबुक लाइव पेज पे शेयर कर दूंगा। जैसे आप फर्स्ट पेज पे लॉगिन प्रोसेस पे जाते हैं, सेकेंड पेज पे आप इसको अपनी बीसीआईडी फिल करते हैं, उसमें अपना क्यू कोड फिल करके पासवर्ड कैप्चा प्लस ओटीपी फिल करते हैं, उसके बाद आप साइन इन करते हैं पोर्टल पे। ठीक है, साइन इन करने के बाद जैसे आपका लॉगिन हो जाता है तो फर्स्ट पेज आपके पास ये स्क्रीन दिखती है। सर विजिबल है ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। जैसे फर्स्ट पेज आपका ये लॉगिन पेज आ जाता है, इसमें आप जैसे AEPS ट्रांजेक्शन की बात करूं मैं, तो AEPS में आपके पास सभी बैंकों के विड्रॉल की फैसिलिटी है। विड्रॉल में आप 10,000 आप विड्रॉल कर सकते हैं किसी भी बैंक के कस्टमर का। इसमें आपके पास बैलेंस इंक्वायरी, कैश डिपॉजिट जो है सिर्फ ये उसी बैंक के बैंक में चलता है जिसके आप बीसी हो। जैसे आप मान लो आप पीएनबी के बीसी है, तो आप पीएनबी के कस्टमर का कैश के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हो AEPS के थ्रू। इसके साथ एक एडिशनल आपके पास सर्विस है, आप थर्ड पार्टी ऑप्शन के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हो 25,000 पर कस्टमर अकाउंट में विदाउट फिंगर अकाउंट नंबर के थ्रू। आप प्रोसीड करेंगे, जैसे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे कस्टमर का नाम दिख जाएगा, और उसको आप अमाउंट फिल करके सबमिट कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली वहां से आपके अकाउंट से कट के कस्टमर के अकाउंट में चला जाएगा। कस्टमर आपको फिजिकली कैश दे देगा और वो आपके सेटलमेंट अकाउंट से कट के उसके अकाउंट में चला जाएगा। विड्रॉल आप किसी भी बैंक का कर सकते हो, फंड ट्रांसफर आपके पास फैसिलिटी है इसमें, कार्ड ATM कार्ड के थ्रू आप इसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हो, विड्रॉल मिनी स्टेटमेंट और आपकी बैलेंस इंक्वायरी। सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें आपका ट्रांजेक्शन होती है, इसमें 2 लोगों के फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेट होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में 2 लेडीज मेन मेंबर होते हैं, उनके फिंगरप्रिंट कैप्चर करेंगे तो आप आगे उसकी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं।
ये आपका आ जाता है आधार सीडिंग, आरडीएफडी और न्यू अकाउंट ओपन एंड पासबुक प्रिंटिंग की सर्विसेज। इसमें आप आधार सीडिंग कर सकते हैं, आपका आधार पे प्लस आपका जो बैंक में आपने डिटेल दी है वहां पे दोनों जगह पे अगर आपकी आपका नाम, कस्टमर का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ दोनों जगह पे अगर सेम है तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इनकेस उसमें कुछ आपको गलत दिख रही है डिटेल तो आप ब्रांच के थ्रू उसको अपडेट करवा सकते हैं, फिर वो आपके पास से अपडेट नहीं होगा। सेकंड रहता है आरडी और एफडी। आरडी और एफडी आप यहां से ही एनरोल कर सकते हैं, पोर्टल से ही आपकी तरफ से रिक्वेस्ट चली जाएगी और ब्रांच में वो वेरीफाई हो जाएगी। जी सर। सर इसके बाद आता है आपका कस्टमर अकाउंट क्रिएशन। कस्टमर अकाउंट क्रिएशन में आप कस्टमर का आधार नंबर फिल करेंगे। सेकंड उसके बाद फॉर्म आता है, वो मैं फॉर्म आपको नीचे बताता हूँ आपने क्या क्या उस पर मैंडेटरी चीज़ें जो है फिल करनी है। ऐसे आपका नीचे पासबुक प्रिंटिंग है, आप लोगों को फैसिलिटी दे सकते हो पासबुक प्रिंटिंग की। ये हमारा आ जाता है सोशल सिक्योरिटी, जो बैंक का भी मेन फोकस है। ये हमारी इंश्योरेंस है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसका भी अमाउंट हो चुका है 20 रुपीज पर ईयर और इसमें 2 लाख का इंश्योरेंस है। इसमें आप कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे, आप उसी कस्टमर को एनरोल कर सकते हो जिसका ऑलरेडी पीएनबी में अकाउंट है। सेकंड ये इसका फॉर्म आ जाता है, इसमें आप पूरी डिटेल फिल करोगे कस्टमर की, नॉमिनी की, और ऑटो डेबिट पे आप टिक लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट ईयर में प्रीमियम कटेगा वो ऑटो डेबिट कस्टमर के अकाउंट से कट जाएगा। सेम यही प्रोसेस आपका जेजेबीवाई में भी रहता है, इसमें भी आपने पूरा फॉर्म फिल करना है और आगे आपने सबमिट कर देना। आपकी तरफ से जैसे सबमिट हो जाती है फाइल तो इसका आप क्रॉस चेक कर सकते हो एनरोलमेंट इंक्वायरी स्टेटस में कि वो सक्सेसफुल हो चुकी है या नहीं या कोई और एरर है। ये हमारा आ जाता है पेंशन प्लान। 1000 से लेके 5000 तक पेंशन प्लान है, इसमें आप लोगों को एनरोल कर सकते हो 1000 से लेके 5000 तक पेंशन प्लान। इसका अमाउंट जो है वो भी आपको, इसका चार्ट जो है एपीवाई का जो चार्ट है एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, वो भी आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा इसी फेसबुक लाइव पेज पे या लास्ट में मैं खुद ही शेयर कर दूंगा स्क्रीन पे यहाँ पे। इसमें आप डिटेल डालोगे, एपीवाई में अगर पर्सन मैरिड है तो नॉमिनी हमेशा बच्चों को बनाए, या फिर अगर मैरिड है अभी बच्चे नहीं है तो वो वाइफ को बना सकता है, इसकी मॉडिफिकेशन बाद में वो ब्रांच में करवा सकता है। क्योंकि इसमें ये रहता है जैसे पर्सन की डेथ होगी जिसने एपीवाई एनरोलमेंट के लिए एनरोल करा है और पर्सन की डेथ होगी तो उसकी वाइफ को वो पेंशन अमाउंट सेम अमाउंट लग जाता है। इनकेस दोनों की डेथ हो जाती है तो वो लमसम अमाउंट जो है उस पर 1000 की पेंशन प्लान पे है 1,70,000 का अमाउंट और 5000 की पेंशन प्लान पे है 8.5 लाख रुपए, तो वो डायरेक्ट नॉमिनी को मिल जाता है। ये हमारा आ जाता है अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस। यहाँ पे हम कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे, सेकंड आधार नंबर डालने की वजह से फिंगरप्रिंट कैप्चर करेंगे तो ये फॉर्म खुल जाएगा हमारे पास। इसमें हमें मैंडेटरी चीजें जो है जो जिस जिन पे स्टार लगा हुआ है वो हमें इसमें फिल करनी है, और जैसे हम इसको फिल कर लेंगे यहाँ पे डेबिट कार्ड के लिए हमने टिक कर दिया चेकबॉक्स पे सबमिट कर दिया, इसके बाद हमारे पास एक ए ऑफ नंबर जनरेट होता है, वो ए ऑफ नंबर हमें हमेशा नोट करना है। उसी के थ्रू हम एनरोलमेंट इंक्वायरी में जाके फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं और वहां पे प्रिंट करके उसको आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी लगा के कस्टमर के साइन करवा के ब्रांच में हम सबमिट कर देंगे। जब हम फॉर्म सबमिट कर देंगे तो ब्रांच उसको उस अकाउंट को अनफ्रीज कर देगी, फिर कस्टमर एलिजिबल हो जाएगा आपके पास भी एपीवाई एसबीवाई और जेजीवाई में एनरोलमेंट के लिए। ये हमारा आरडी का प्रोसेस है। आरडी में भी सेम वही डिटेल हमने फिल करनी है फॉर्म पे। एफडी का भी सेम प्रोसीजर। सर ये पीपीटी कंप्लीट हो चुकी है सर। थैंक यू मनोज जी। यहाँ जितने भी हमारे वीएलई भाई बहन जुड़े हुए हैं उसके लिए धन्यवाद, और जितने बैंक पीएनबी बैंक के बीसी हैं, हमने फेसबुक लाइव में भी बहुत से लोगों के देखा कमेंट्स, जितने भी बीसी हमारे साथ जुड़े हैं, हमें उम्मीद थी कि और भी ज्यादा बीसी जुड़ेंगे, पर जितने भी जुड़े हैं मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, नए हों या पुराने, देखिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम
अच्छी है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 20 रुपए की है, साल का 20 रुपए, या दिन का 1 रुपए, 1 रुपए कुछ लगता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर इन केस किसी की डेथ होती है, जैसा हम सर ने कहा कि ऐसा भगवान ना चाहे, लेकिन अगर कभी होता है, तो रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने भी हमारे बीसी हैं, हाँ बीसी हैं, वो कस्टमर की मदद करें कि आप तुम आ जाना, कोई दिक्कत हो तो हम ब्रांच में आपको ले चलेंगे। अच्छा, कुछ इससे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई वो कस्टमर नहीं मानते, तो ये देखिए आपको जागरूक करना है, यही तो लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी का रोल है, इंक्लूजन का रोल है। हमारे गांव में जो लोग गरीब लोग, दूर दूर के जो लोग हैं, उनको एजुकेशन उतना नहीं है, उनको बताना है कि ये 20 रुपए में आपको 2 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, उनको पता नहीं होता। लेकिन हमारा फर्ज है एज ए बीसी, आपका रोल है ये कि आप उनको जागरूक करें कि भाई ये 20 रुपए में आपको ये फायदा हो सकता है, आप ये करवा लें, ये आपको जानकारी देना तो बहुत अच्छा है। यही, इसी से तो समाज का आगे बढ़ेंगे लोग। ये कहीं कोई तकलीफ होगी और उसको 2 लाख रुपए मिलेगा, तब समझ में आएगा कि परिवार को कितना सपोर्ट हो गया। जी सर, अभी तो मैंने जैसे सुरक्षा बीमा बताया, देखिए सुरक्षा बीमा ये है एक्सीडेंटल है, किसी की दुर्घटना की वजह से अगर डेथ हो जाती है तो ये उसके लिए है। अब जीवन ज्योति योजना जो है कि अगर किसी दूसरे कारण से, यानी कोरोना, आप तो जानते हैं कोरोना के बारे में, सब जान गए आज, तो कोरोना की वजह से या किसी और हेल्थ इश्यू की वजह से अगर डेथ होती है, तो वहां सुरक्षा बीमा काम नहीं आएगा, जीवन ज्योति काम आएगा। जो जीवन ज्योति योजना जो अब 436 रुपये सरकार ने कर दी है, लेकिन वो भी 2 लाख रुपए का, अगर वो भी उसमें इंश्योरेंस है, तो वो भी कोई बड़ी चीज नहीं है कि अगर आप 436 रुपए करा रहे हैं तो ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे बीसी जितने हैं वो इस बात को जाने कि 436 रुपए जितने पे, लोग जो जुड़े हैं, कम से कम आप सब लोग अपना तो करवा ही लें, आपके आसपास जो भी क्षेत्र में आपके जो आदमी मिलता है उनको जरूर इसमें कवर करवाओ। जी, और 436 का जो है हमारे बीसी को कमीशन मिलता है ना, रिन्यूअल, उनको जी सर, रिन्यूअल जी सर, मिलता है ना मनोज जी, रिन्यूअल मिलता है ना। जी सर, जो 436 वाला है जीवन ज्योति योजना, उसमें हमें रिन्यूअल का पैसा मिलता है, मतलब हमारे बीसी को, तो बीसीओ के लिए ये फायदेमंद है कि उनको भी कमीशन है। सुरक्षा बीमा योजना 1 रुपए का पड़ता है तो उसका रिन्यूअल नहीं मिलता है, मेरे जितने बीसी यहाँ पे हैं तो उनको बताना चाहूंगा कि उसमें नहीं मिलता है, पर जीवन ज्योति योजना में आपको रिन्यूअल का पैसा साल में, या अगले साल जब रिन्यूअल होता है, जितने भी आपने किए थे और जो रिन्यू है उसका पैसा भी मिलता है, तो इसके लिए आपको बैंक कमीशन देता है। और जहां अटल पेंशन योजना की बात है, देखिए अटल पेंशन योजना एक पेंशन योजना है, बाकी दोनों इंश्योरेंस योजना थी, और ये पेंशन योजना है। देखिए 60 साल बाद कहीं से कुछ सोर्स तो होना चाहिए, जो सरकारी लोग हैं सर उनका तो अलग मान लीजिए, लेकिन हमारी, आपकी, आप सबकी, जो 60 साल के बाद जो हमें पेंशन मिलनी चाहिए, मतलब हमें कुछ राशि मिलनी चाहिए, पता नहीं उस समय क्या होगा, लेकिन हाँ हमें अटल पेंशन योजना में जो भी अमाउंट है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि 5,000 रुपए में क्या रखा है, अरे 5,000 तो मिल जाए, आगे कुछ और योजनाएं आप कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जितने भी कस्टमर आपके यहाँ आते हैं, भाई अटल पेंशन योजना आप करवा लो, ठीक है, कोई ऐसे तो नहीं है कि आईटीआर वाले, वो तो अब नई रूल आ गए हैं, पर जितने भी लोग टैक्स, भारत में बहुत सी जनसंख्या है जो आज तक टैक्स नहीं पे करती है, तो वो सारे के सारे लोग इसमें अटल पेंशन योजना में एलिजिबल है। तो अटल पेंशन योजना में आप उसे बोलिए कि 60 साल बाद, 60 साल तक पैसा कटेगा, उसके बाद आपको पेंशन मिलना शुरू होगा। अटल पेंशन योजना में पहले आपको पेंशन मिलेगा, फिर आपकी और नॉमिनी यानी स्पाउस, अगर पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, उनको पेंशन मिलेगा, उसके बाद नॉमिनी को लमसम अमाउंट मिलेगा, तो इसमें ट्रिपल बेनिफिट है। और आप कस्टमर को बोलिए कि आप अटल पेंशन योजना में पार्टिसिपेट कीजिए, अगर 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको लग रहा है कि आपकी माली स्थिति अच्छी नहीं है, आप उसमें नहीं कंटिन्यू कर सकते, तो कोई बात नहीं, रिक्वेस्ट, विड्रॉल रिक्वेस्ट है, आप हमारे बीसी से अनुरोध है कि ब्रांच से बात कीजिए कि सर इसकी माली हालत ठीक नहीं है, तो विड्रॉल रिक्वेस्ट हम भी करना चाहते हैं। तो वैसे भी सरकार ने इसका प्रावधान रखा है कि आपने 3 साल तक चला, इंडिया और ये स्क्रीन पे आप चार्ट देख सकते हैं, मनोज जी ने चार्ट शेयर किया है, तो ये चार्ट देख सकते हैं कि अटल पेंशन योजना जो हमारा बीसी है, जो हमारे बीसी जो कस्टमर का करवाएंगे, 18 से 40 साल तक के बंदों का हम करवा सकते हैं, तो उनकी मौजूदा उम्र के हिसाब से कितना प्रीमियम कटेगा और वो कितने का पेंशन चाहता है, ये पूरा चार्ट है, सब लोग गूगल पे भी ये ढूंढ सकते हैं अटल पेंशन योजना करके, ठीक है, कि उसकी मौजूदा उम्र कितनी है, कितने साल तक वो पैसे कटेंगे, ठीक है, और कितना प्रीमियम कटेगा, ये प्री डिफाइंड है।
ये प्री डिफाइंड है, ठीक है। तो ये पेंशन योजना अलग है और बाकी बहुत से बीसी कहते हैं कि सर ये पेंशन योजना दूसरी पेंशन योजना। देखिए हर पेंशन योजना अलग अलग है, इसके अपने फायदे हैं इस पेंशन योजना के, ठीक है। मेरा ये अनुरोध है कि आप कस्टमर को बोले कि सब पेंशन इसमें अटल पेंशन योजना में रख के देखो, एक साल रखो, दो साल रखो, अगर नहीं है तो फिर हम विड्रॉल रिक्वेस्ट ब्रांच को भेजेंगे कि सर अब हम नहीं चालू कर सकते, जितना पैसा जमा किया था वो वापस कर दिया। ये भी है, अगर विड्रॉ भी करते हैं जी, इसका जो कि इंटरेस्ट रेट है किसी भी आरडी एफडी से बेहतर है जी, तो उस केस में भी कस्टमर को फायदा होगा। अगर कोई आरडी एफडी कराना चाहते हैं उससे बेहतर है जो कि एपीवाई करें, अगर वो कंटिन्यू किए तो बहुत अच्छा है, जो कि सिक्योर रहेंगे। अगर उनको मन हुआ है कोई समस्या आया नहीं पे कर सकते हैं तो वो अगर विड्रॉ करेंगे तो उसको इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा वो किसी भी एफडी और आरडी से ज्यादा है। जी सर, थैंक यू सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग कहते हैं अटल पेंशन योजना में ऐसा है। देखिए उसका भी विड्रॉल का प्रोसेस है, लेकिन एक बचत की आदत डलवाइए कस्टमर की, भाई तुम रखो, अच्छा ना लगे तो हम ब्रांड से बात करके उसको बंद करवा देंगे। और सारे बैंक मित्रों से ये अनुरोध है कि आप अपने ब्रांचों के साथ अच्छी रिलेशनशिप बना के रखिए। ये पहले बताया मैंने आपको, देखिए जिस भी ब्रांच के साथ आप जुड़े हो मिलके चलना है, काम करना है बैंक की प्रायोरिटी के हिसाब से, और समाज की जो सोसाइटी जहां भी आप रहते हो काम करते हो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आपको काम करना है वहां पर। उसी तरह से आपका बिजनेस भी ग्रो होगा और बैंक को भी एक बिजनेस मिले, तभी आपके भी इनकम बनेंगे। ये बेसिक चीज है। अभी सीएससी आईडी का कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो csc.gov.in एक जो इसमें जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं, उसमें नीचे आएगा कि न्यू रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक करेंगे तो वो पेज खुल जाएगा। वो रजिस्टर करने के बाद आपके एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं वो आपके एंटीसीडेंट्स यानी आपका आधार पैन कार्ड वो वेरीफाई करेंगे। वो वेरिफिकेशन के बाद आपका लेटर ऑन कैप्चर करेंगे, आपकी लोकेशन कैसी है, कहाँ है, उसके बाद आपका वो अप्रूवल होगा कि यस। उसका एक प्रोसेस है, टीईसी का एक एजुकेशन, उसका एग्जाम आपको देना पड़ता है, तो वो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को असाइन हो जाएगा और आपको भी पता चलेगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद उसको आप फॉलोअप कर सकते। तो ये हो गया सीएससी आईडी जनरेशन, यानी जिनका सीएससी आईडी नहीं है तो उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि csc.gov.in पे जाके आप रजिस्टर करवाएं। दूसरा एक क्वेश्चन आ रहा है कि हम आईसीआईसी का हमारा कोड था, तो जो भी आईसीआईसी बैंक के बीसी बने थे अगर वो अब बीसी बनना चाहते हैं, जनरली हम लोग माइग्रेशन अलाउ नहीं करते। हम ये नहीं चाहते कि एक बैंक में बीसी बन गया फिर दूसरे में ले जाएं उसको और तीसरे, अच्छा वो प्रैक्टिस नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि लेकिन आईसीआईसी में जो बीसी बने थे, क्योंकि वहां पर हमने बीसी का काम बंद कर दिया, उन्होंने अकाउंट ओपनिंग शुरू नहीं किया जिसकी वजह से हमें वो बंद करना पड़ा, तो अब जो है वो यहाँ पर पीएनबी है या दूसरे जो भी बैंक के लिए वो इंटरेस्टेड हो वो आप जरूर बताएं, हम उसको कोशिश कर रहे हैं। अभी आईडीबीआई बैंक भी एक्टिव है, काफी और बैंक एक्टिव है, पीएनबी भी काफी अच्छा है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी 50,000 बीसी बनाना चाहता है, बैंक ऑफ इंडिया, यानी सारे सरकारी बैंक। ये इसलिए मैं बियॉन्ड पीएनबी बता रहा हूँ कि जो भी लोग जुड़े हैं और चाहते हैं कि वो आईसीआईसीआई के साथ काम कर रहे थे और अब बीसी बनना चाहते हैं दोबारा, तो उनको हम प्रायोरिटी पे जरूर बीसी बनाएंगे। और दूसरा एक पॉइंट आ रहा है, छोटे गांव में है तो प्राइवेट बैंक, तो ये मानना कि बैंक छोटे गांव में काम नहीं करता। मनोज म्यूट पे कर लें। अगर ये कोई भी छोटे गांव में है, अगर उनका ये मानना है कि छोटे गांव में प्राइवेट बैंक काम नहीं करता, तो ये सीएससी ने ये प्रूव किया है कि बिना ब्रांच खोले हमारे बीसी के थ्रू प्राइवेट बैंक की भी रीच कैसे बढ़ सकती है, ये उदाहरण है। ये तो आप ये मत सोचें कि प्राइवेट बैंक है तो आपको बीसी, छोटी जगह है तो प्राइवेट बैंक नहीं देगा, आपको प्राइवेट बैंक भी देता है और सरकारी बैंक के लिए भी जहां जहां पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपको वहां पर बीसी बनाए। बाकी काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, काफी लोग जो है क्वेश्चन अपने डाल रहे हैं और बहुत अच्छा लगा कि काफी एक्टिव जो है हमारे वीएलई हैं, हमारे बीसीज हैं,
और वो वास्तव में ये फाइनेंशियल इंक्लूजन पे कुछ काम करके प्रूव करना चाहते हैं। ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हम कॉर्पोरेट ऑफिस से हम क्या कर सकते हैं कि आपको हम गाइड करें, आपको बताएं अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसके कहीं प्रोसेस में कहीं कोई तकलीफ है तो वो हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो ये हमारी कोशिश होती है कि हम उसके ऊपर काम करके आपको एम्पावर करें, आपके ऊपर हम कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करें। बीच बीच में हम लोग वर्कशॉप भी करते हैं, बैंक वाइज वर्कशॉप करते हैं, स्टेट वाइज वर्कशॉप करते हैं, ताकि जो भी सर्विसेज बैंक के द्वारा दी जा रही हैं उसकी लेटेस्ट जानकारी, उसके प्रोसेस की जानकारी आपको हम दे सकें। तो ये कोशिश होती है हमारी, और उसी में क्योंकि हमें ये लगा कि फेसबुक पे भी हम लोग जुड़ें और बात करें सबके साथ इकट्ठा, तो दैट इज द पर्पज वी हैव गॉन ऑन द फेसबुक लाइव सेशन टुडे। तो और कुछ क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं? हाँ, कुछ एक जो और मैं बता देता हूँ, अभिनंदन मैं देना चाहता हूँ खासतौर से कुछ हमारे बीसी भाई बहनों का जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, विशेष तौर से जो सोशल सिक्योरिटी में जिन्होंने काम किया है। मैं उनके नाम से मैं बता रहा हूँ, बिहार के जो है वो आशा कुमारी हैं, बिहार के गणेश शंकर विद्यारथी हैं, बिहार से ही लाल गांधी हैं, बिहार से ही चंदन कुमार हैं, और उत्तर प्रदेश से विनोद तिवारी हैं हमारे जो बीसी, राजस्थान से विक्रम कुमार गुर्जर हैं, धनंजय कुमार, चंदन कुमार ये बिहार से हैं, राजस्थान से गुलशेर मोहम्मद बहुत बढ़िया काम किया है, और शंभू प्रसाद सिंह बिहार से। तो ये इन सभी को पिछले महीने अगस्त के महीने में सोशल सिक्योरिटी में आई थिंक वी शुड क्लैप फॉर देम, दे हैव डन वेल। आप क्यों अभिनंदन के पात्र हैं ये आपको समझना पड़ेगा। उनको इनकम तो मिल ही रही है, फिर भी हम ताली क्यों बजा रहे हैं उनके लिए, क्योंकि उन्होंने एक तो बैंक की प्रायोरिटी के हिसाब से काम किया, कैंपेन था। दूसरा ये कि वो जहां पर भी वो काम कर रहे हैं उस क्षेत्र के समाज के लिए उन्होंने एक अच्छा काम किया है, तो दे डिजर्व लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो बहुत बहुत अभिनंदन उन सभी विशेष को। जहां तक एक यूपी के विनोद तिवारी जी हैं, उनको विशेष अभिनंदन। विनोद तिवारी जी किसी भी स्कीम में किसी भी महीना में बेहतर करते हैं। अगर वो सुनते होंगे या आप लोग अगर सुन रहे हैं तो जरूर हम लोग सीएससी फैमिली के तरफ से भी विनोद तिवारी जी को स्पेशल अभिनंदन भेजिए, क्योंकि वो हमेशा से कभी भी उनको ना बोला गया जी ये टारगेट है ना टारगेट होता है, केवल बैंक जो के प्रायोरिटी को हमेशा काम के। एक मैसेज में एक अभय सिंह जी भी लिखे हैं, है ना, उन्नाव के, जो वो 90 फीट वो पीएम एसबीवाई किए हैं पिछले महीना, तो उनको भी अभिनंदन। एक बीसी का आप लोग का हमें बीसी चाहिए, हमें ये आप लोग लिखते हैं, सबसे सरकारी बैंक में बीसी बनने का शायद आप लोग भी गांव में या वहां तक है आपको भी पता होगा। ये तो सबसे पहले सीएससी में अगर हमारे कोई भी सरकारी बैंक में बीसी बनाते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा, या कोई भी बीएलई भाई अभी अभी कोई आजकल में बीएलई बने हैं या बनने का प्रयास कर रहे हैं और सोच रहे हैं हम जाएंगे तुरंत बीसी मिल रहा है, नहीं तो फिर लिखेंगे तो मैं तो 90 दिन से वो बीसी बन गया हूँ, 30 दिन हो गया अभी तक बीएलई बना हूँ, बीसी ने बनाया। ऐसा नहीं होता, हमारे पास जितने भी बीएलई हैं, जितने भी पुराने हैं, उसमें जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है पूरे स्टेट को इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। जब बैंक में गवर्नमेंट बैंक में क्या होता है कि हमारे हिसाब से नहीं वो लोकेशन देते हैं, जनरली वो एक वर्क ऑर्डर देते हैं, ये लोकेशन आपको दिया यहाँ पे आप बीसी लगा दो, ठीक है। उस केस में हम क्या करते हैं कि स्टेट को बोलते हैं कि आप वहां से हमको डेटा दो तो उस लोकेशन के सराउंडिंग में कौन सा बीएलई, अगर एक लोकेशन दिया है तो उसमें कौन सा बीएलई बेहतर हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल आइदर डीजी जो भी हमारा अभी तक का है उस बीएलई के लिए ओपन थ्रू सीएससी, उसमें जो भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं उसका डेटा हमें भेजो, या जो अगर 2-3 है तो सारे का डेटा भेजो और उसका जो क्या परफॉर्मेंस है उसमें जो बेहतर होता है उसी को मिलेगा, दूसरा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर हम कोई भी अगर ये होगा जो कि कोई पुराना है बहुत अच्छा कर रहा है आज बीएलई बनेगा आज बीसी मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आप लोग अपना जो भी सीएससी के थ्रू कर रहे हैं वो आप बेहतर कीजिए, जैसे ही आपके लोकेशन पे आएगा कोई भी बीसी के लिए किसी भी बैंक के गवर्नमेंट बैंक का, तो हम आपको आपको
हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हम आपको टच करेंगे। अगर आपको कहीं पे भी लगता है या आगे से हम पूरा ये ध्यान रखते हैं, क्योंकि कोई भी आपको प्रायोरिटी दिया जाए, अगर आप बहुत वहीं पे दो बीएलई अगर है, आप बेहतर कर रहे हैं सारे हमारे सीएससी के इनिशिएटिव में, तो आपको ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके लिए ये कतई नहीं सोचे कि हम कुछ नहीं करके बैठे रहेंगे, पीसी आएगा तब हम काम करेंगे। तो जब प्रायोरिटी की बात होगी तो वो भी हम देखते हैं कि आपका परफॉर्मेंस एज ए बीएलई कैसे रहा है। तो सरकारी बैंक में ये है वो चीज है जो आप लोग को भी हेल्प भी करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसमें क्या परफॉर्मेंस है वो एक मेन क्राइटेरिया है। कुछ लोग के छह महीने कम से कम 6 महीने तक आपने काम किया हो, आपका सिंसियरिटी उसका परफॉर्मेंस से दिखेगा ही कि क्या सेवा किया है थ्रू सीएससी उस लोकलिटी को। उसके बाद हम डेफिनेटली आपको हमें कोई अप्रोच करने की जरूरत नहीं, कहीं पे कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे स्ट्रिक्ट हैं सेंट्रल ऑफिस में, जो कि आपका डेटा आएगा वहां पे हम रियली का डेटा, हमारे पास भी लेफ्ट लॉन्ग सब कुछ होता है, हम मैच भी करते हैं। अगर कहीं से डेटा आएगा अगर गलत है तो हम पूरा कोशिश करते हैं, अगर आपने सब कुछ सही लोकेशन सब कुछ सही लेफ्ट लॉन्ग आपने डाला हुआ है अगर, तो हम उस पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसी के हिसाब से हम बोलते हैं। आपका ये कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि आपका जो परफॉर्मेंस है डिजिटल सेवा पोर्टल पे और सीएससी आईडी होना, ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं। सीएससी कभी भी किसी को भी बीसी बनाने के लिए कोई चार्ज नहीं लेता, कोई डिपॉजिट नहीं लेता, ये सबको मैं बताना चाहता हूँ। और आपको आपकी जानकारी में कहीं कुछ ऐसा कुछ आता है तो आप जरूर हमें लिखें, आप वो हम मेल आईडी भी अभी विधि मैडम दे देंगी। हम ये चाहते हैं कि बहुत क्लियर, बहुत मैसेज एक क्लियर जाना चाहिए कि सीएससी का जो कल्चर है वो ये है कि ट्रांसपेरेंट वे में हम हमारे रिमोटेस्ट पार्ट में एक बीसी बना के उनको सुविधा प्रदान करें। ये डिजिटल इंडिया जो मूवमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करने की जवाबदारी सीएससी की, तो जब हमें जवाबदारी कुछ दी गई है तो उसको सिंसियरली हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, निभाना है। और उसमें आप सभी का जो रोल है वो बीसी का रोल है, बैंकिंग यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन का। तो कहीं भी हमारे यहाँ पर किसी से भी बीसी बनाने के लिए कोई चार्ज कोई डिपॉजिट नहीं लिया जाता। आपके पास अच्छी जगह हो, आपके पास सीएससी आईडी हो, बैंक आपको ओके कर देगा, इमिडिएटली हम बीसी बना देंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर और हमारा जो कमीशन जो होता है बीसी का, वो उसमें भी बहुत ट्रांसपेरेंट वे में हम काम करते हैं। ये नहीं कि आपका कुछ भी पैसा काट लिया, ये सब नहीं होता है हमारे यहाँ। जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से हम काम करते हैं। और कोई भी बीसी अगर किसी बैंक का ऑलरेडी बीसी है तो यहाँ पर हम उसको बीसी नहीं बनाते हैं। जो आईबीए की बीसी रजिस्ट्री है, अगर वहां पर किसी भी व्यक्ति का बीसी रजिस्ट्रेशन किया गया है तो उसको दोबारा से बीसी पॉइंट नहीं मिल सकता। ये आईबीए की गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, दैट वी आल्सो सिंसियरली फॉलो, हमारे यहाँ कोई वो नहीं। तो ये जो कुछ चीजें थी जो मुझे लगा कि कुछ कुछ क्वेश्चंस आए हैं और कुछ लोगों का काम जो रुका हुआ है सीएससी आईडी बनने के लिए, तो उसके लिए आपके जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उसको लिखें। टिकट रेज करने का भी तरीका है, वो आप टिकट रेज करें, उसके हिसाब से भी टिकट रेज करने का जो प्रोसेस क्या है मिश्रा जी वो बता दो एक बार। I think it will be useful how to raise the ticket for various type of problems. सर टिकट के लिए जिनके पास सीएससी आईडी है डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर जब वो लॉगिन करेंगे तो लेफ्ट साइड में नीचे अकाउंट्स के नीचे अकाउंट जो उनकी अकाउंट डिटेल्स होती है मतलब डिजिटल सेवा पे उसके नीचे आता है टिकट्स। जब आप टिकट्स पे जाएंगे तो आप बैंकिंग पे क्लिक करेंगे तो सारे बैंकों के नाम मतलब आ जाएंगे कि जिस जिस बैंक के जो जो बीसी हैं उनको अगर कोई दिक्कत है तो वो उस स्पेसिफिक बैंक को चूज करके वहां पे टिकट रेस कर सकते हैं। और अगर जिसको कोई जनरल प्रॉब्लम है तो वो बैंक मित्रा, उसके अंदर लिखा हुआ बैंक मित्रा, तो बैंक मित्रा में जाकर जो अब तक बीसी नहीं बने हैं और उनको कोई दिक्कत है तो वो उस बैंक मित्रा में जाकर वहां पे लिख सकते हैं। किसी ने किए हैं जो 3 महीने से कमीशन नहीं आ रहा है, तो मैं जनरली ऐसा नहीं है, 1 महीने का डिले तो जनरली होता ही है। कमीशन का क्या स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा आप लोग के सामने शेयर करता हूँ। जनरली सब बैंक का होता है 8 से 10 तारीख तक में वो 10-12 ऐसा करके
वो बैंक रिपोर्ट हमें देती है कि ये रिपोर्ट है, ये भी आपके बीसी ने काम किया है, इस पे आप कमीशन के लिए इनके पेमेंट के लिए इनवाइस हमें भेजिए। वो हम सभी सर्कल वाइज इनवाइस भेजते हैं और दो तीन दिन हमारे पास भी लग जाता है, वो ऑब्वियस सी बात है। तो हम 15 तारीख तक सारे इनवाइस, जनरली अगर 12 तक हमारे पास आ जाता है तो 15 तक हम सारे इनवाइस बैंक को भेज देते हैं। ये उसके मैडम बीसी का कमीशन बता दें। हाँ, उसके बाद जब भी वो होता है सरकार ऑफिस से हमारे स्टाफ भी स्टेट के होते हैं, जो भी है हम फॉलो करते हैं, वो फिर हमारे अकाउंट में पेमेंट करते हैं। वो पेमेंट हमारे आने के बाद आपका जो भी है टीडीएस जो हम जमा करते हैं आपके उसमें अकाउंट में, वो डिडक्शन एज पर गवर्नमेंट रूल जो भी है, और उसके बाद आपके अकाउंट में क्लोजर हम पेमेंट करा देते हैं। उसमें कहीं पे भी ये नहीं है जो हमारे पास आने के बाद दो दिन, बहुत से बहुत लगता होगा जो 2 से 3 दिन में, 2 दिन में हम बैंक को भेज देते हैं हमारे बीसी का पेमेंट आप रिलीज कर देंगे। तो ये एक बार तो हमें पहले बैंक से रिपोर्ट लेना पड़ता है, फिर बैंक को एडवाइस करना पड़ता है, फिर जब हम पेमेंट मिलता है तो फिर बैंक को डेटा देना पड़ता है, ये है इनका इतना कमीशन आप रिलीज कर देंगे। तो इसमें कुछ समय लगता है, लेकिन जिसका भी 3 महीने का है टिकट में आप करके जो भी गैप है, 1 महीने का तो काम ही कंप्लीट, 1 महीने के बाद रिपोर्ट आती है, 1 महीने के बाद तो होता है, 1 महीना तो इनवॉइसिंग में और सर्कल टू सर्कल पेमेंट में हमें उतना समय लग जाता है। मैडम आप बताएं जरा आपके कमर्शियल, मैंने अपने कमीशन रेट बता रहे हैं, कमीशन रेट में शेयर कर देंगे। सबसे पहले ये बताता हूँ जो इसका जो भी कमर्शियल है विधि मैडम अभी बताएगी, लेकिन जहाँ तक पर ट्रांजेक्शन मैक्सिमम 50 रुपया कमीशन मिलता है, जो शायद ही हमें नहीं मालूम है कि किसी भी बैंक में मिलता है, जो तो वो भी एक इसका बहुत अच्छा। तो जो बीसी हैं वो ट्रांजेक्शन तो कर रहे हैं अच्छा, उससे कमी बैंक इसीलिए ये है जो कि हम नहीं तो फिर अगर इतना है तो हम इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, अगर वो कर लेंगे तो, अगर उनका जो प्रायोरिटी है सोशल सिक्योरिटी तो प्लीज उस पर भी आप करें, जिससे कि बैंक भी खुश रहेगा, जो बैंक चाह रही है जो कि ये सोशल सिक्योरिटी सारा सेचुरेशन हो जाए जितना भी अकाउंट खुला है, तो कृपया उस पर आप ध्यान दीजिए। पासबुक प्रिंटिंग है जो अच्छा अच्छा चीज है, इंडो नेपाल है जो कि नेपाल के लोग यहाँ से बैठ के अपना नेपाल में जिस बैंक में अकाउंट है वहाँ इसके थ्रू पीएनबी बीसी के थ्रू वो नेपाल पैसा भेज सकते हैं, जो बहुत सारे ज्यादा बैंक में नहीं है, जो वेरी रेयर है, जो पीएनबी के बीसी के थ्रू है ना। तो ये सब कुछ कुछ फैसिलिटी है जो आप बताएंगे, भले ठीक है हर एक जगह नेपाल के कस्टमर नहीं होंगे या जो भी है, लेकिन एक है जहाँ पे है जो बैठे हुए हैं उस एरिया में, उसके लिए बहुत ही अच्छा, जो बॉर्डर पे है, जो बड़े बड़े मेट्रो है वहां पे नेपाल के लोग हैं, तो वहां पे उनके लिए काफी फ्रूटफुल है ये भी सर्विसेज। पासबुक प्रिंटर रखेंगे तो डेफिनेटली बैंक कुछ पैसा भी पर ट्रांजेक्शन दे रही है ना, और आपका जो एक्सेप्टेबिलिटी है कस्टमर के सामने में, पासबुक प्रिंट भी आप कर रहे हैं, अकाउंट भी ओपन आप कर रहे हैं, सारा एफडी कर रहे हैं, आरडी कर रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी कर रहे हैं, उसका आधार सर्टिफिकेट बीच में वो होता है, और लास्ट हमारा है जो की सर्वर के रिगार्डिंग। तो मोर और लेस सभी बैंक में कुछ बीसी मॉडल पे फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन पिछला महीना बहुत ज्यादा हुआ, हम लोग भी परेशान हुए, आप लोग तो हुए ही क्योंकि आप लोग परेशान हुए इसलिए हम लोग हुए। तो उसमें कुछ एक्सएमएल, कुछ बैंक एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस वो सारे बैंक अपडेट किए अपने सर्वर को, कुछ इसके कारण नॉट इवन क्लियरली लगभग ज्यादातर बैंक जो भी उस मंथ में अगस्त में किए 30 तारीख तक सबको अपडेट करना था, तो उससे इफेक्ट हुआ, तो उसके लिए अभी अब लगभग ठीक चल रहा है। लेकिन अगर हम चाहेंगे जो 100% कभी फ्लक्चुएशन नहीं होगा, हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन उसके बाद भी हम सेंट्रल ऑफिस से जैसे ही आप लोग का मैसेज आता है किसी भी वे से थ्रू स्टेट टीम या आप लोग के डायरेक्ट बॉस से हम लोग से बात हो जाती है, तो हम इमीडिएटली हम बैंक से बात करके कोशिश करते हैं एज अर्लीस्ट वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। सर मैं आप लोग सबके सामने मैंने अपना ईमेल आईडी शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में, आप कुछ भी क्वेरीज हो किसी भी रिगार्डिंग तो इसमें शेयर कर सकते हैं, मैं कमीशन चार्ट भी सबको शेयर कर दूंगी। पीएनबी से रिलेटेड कोई भी आपको कुछ क्लेरिफिकेशन है तो आप ये मेल आईडी मैडम ने जो दिया है उस पर आप मेल करें, उसके ऊपर हम जरूर आपको विद इन 24 आवर्स उसके ऊपर हम रिस्पॉन्स करेंगे।
जो भी पीएनबी के बीसी है, पीएनबी बीसी रिलेटेड, नहीं नहीं वो बीसी लेने के लिए उसमें तो मैंने बता ही दिया, तो फिर जो हमारे बीसी के जो जो रिप्लाई होंगे वो भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो भी अगर आपका 10 दिन 5 दिन कमीशन रुक गया, वो हो गया, जैसे कोई कोई बोले अभी चैट बॉक्स में 3 महीना से नहीं मिला, तो वो आप लिखिए कौन सा सर्कल है, हम देख लेंगे, हम सर्कल से बात करेंगे, आपको मिला कि नहीं मिला, कहाँ पर प्रॉब्लम है, तो वो उसमें हमें हेल्प मिल जाएगी। लेकिन ये नहीं है जो हमको एक मेल आईडी मिला है, जो बीसी ने मिला जी हमको ये, वो तो इसमें आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि अगर 1 लाख लोग उसमें मेल करने लगेंगे तो जो जरूरत का है वो भी छूट जाएगा। बैंक मित्रा पोर्टल का कुछ सर्वर अपग्रेडेशन चल रहा है, तो वो 2-3 दिन में अवेलेबल हो जाएगा। जो लोग बीसी बनना चाहते हैं और जिनका सीएससी आईडी मोर देन 6 मंथ होल्ड है, वो लोग जरूर उसमें रजिस्टर करें, पर 2-3 दिन में वो अवेलेबल होगा। सर्वर में कुछ अपग्रेडेशन है, तो ये जस्ट एक अपडेट आया, मैं आपको बता दूं। लेकिन सीएससी आईडी के साथ अपने जो सीएससी के स्कीम पे परफॉर्मेंस पे आप काम करेंगे, तो आपको हमें नहीं ढूंढना पड़ेगा, हम खुद ही आपको ढूंढ लेंगे, जैसे ही आपके लोकेशन पे हमें बीसी सेंटर मिलेगा। तो सभी हमारे जो भी बीसी हैं, अभी के डेट में हमारे पास 2700-2800 के आसपास बीसी हैं, सबके मेल आईडी सारे चीज डिटेल्स हमारे पास है, आप लोग को आज ही हम कमर्शियल आपको भिजवा देते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस प्रोडक्ट पे कितना कमीशन कमा रहे हैं। गुड साकेत, प्रपोज बोर्ड ऑफ थैंक्स। यस थैंक यू। सो सभी वीएलई भाइयों को नमस्कार। तो अभी सभी सर लोगों ने, राजेश सर ने, अरोहा सर ने, विधि मंडा जी ने सब कुछ बताई दिया आपको। बैंक के बारे में तो बहुत बढ़िया कमीशन है, इसका बहुत बढ़िया स्कोप है और इसके कस्टमर बेस भी अच्छे हैं, तो आपको सोशल सिक्योरिटी करने में भी आसानी रहेगी कि आपके कस्टमर हैं और सब कुछ है इसमें, जितने भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम उसकी सारी जानकारी आपको दी गई इसके थ्रू। तो थैंक यू आप सभी को जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ इसको, इस वीक को हम आज क्लोज करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।